अब टुकड़े टुकड़े हो चुके नोट भी बैंक आपसे ले लेगा। बैंकों द्वारा 10, 20 और 50 के छोटे नोट और कटे फटे नोट ना लेने की लगातार शिकायतें आ रही थी। इसी को लेकर रिजर्व बैंक ने कदम उठाया है और ये कहा है कि जो भी बैंक कटे फटे नोट लेने से मना करेगा उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी बैंक के खिलाफ लगातार 5 शिकायतें मिलती हैं तो बैंक इस दंड का दोषी होगा। आरबीआई ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ग्राहकों की सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इस बात का संकेत है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से पूरी नहीं कर रहे हैं। आरबीआई के इस आदेश के बाद अब कोई भी बैंक छोटे मोटे नोट या सिक्के लेने से मना नहीं कर सकेगा। नोटों का मतलब 50 रुपए से छोटे नोटों से है। आरबीआई ने ये भी कहा कि बैंकों को इस बात की जानकारी रखनी होगी कि उन्होंने कितने कटे फिटे नोट जमा किए हैं और इस बात का उन्हें पूरा ब्योरा भी देना होगा। इसी के साथ आरबीआई द्वारा कुछ और नियम भी जारी किए गए हैं जिनके तहत अब बैंक अपनी शाखा में कौन कौन सी सेवाएं दे रहा है और उन सेवाओं का कितना शुल्क है इसकी जानकारी अब बैंकों को प्रचार शाखा के अंदर ही देनी होगी। साथ ही कटे फिटे नोट और जुड़े हुए नोटों को काउंटर पर ही बदल दिया जाएगा और जिन नोटों का कुछ हिस्सा गायब है उसे भी बैंक लेने से इनकार नहीं कर सकता है। हालांकि उन नोटों का बैंकों को रिकॉर्ड रखना होगा कि उन्होंने कितनी संख्या में कटे फिटे नोट जमा किए हैं, साथ ही ऐसे कितने नोट हैं जो बैंकों ने जमा किए हैं जिनके कुछ हिस्से गायब हैं। आरबीआई के इस नए नियम के तहत अब ग्राहकों को छोटे नोट बैंकों में जमा करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।